हम सब की आवाज़ या आपकी आवाज़। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ अकबर बिन तबर। इस वक्त मैं हूँ बेंगलोर शहर मौजूद, और यहाँ पर जो आज इनॉग्रेशन हुआ, माशाल्लाह हमारे ज़ुबैर भाई और इस्माइल भाई, उनके सारे पार्टनर, मेरे दोस्त इरफान साबरी साहब, मुजाहिद भाई और ज़ुबैर भाई यहाँ पर मौजूद है, और ये शेफ है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बनाए हैं। मंदी बहुत ज़बरदस्ती, मैं अभी टेस्ट किया, मैं इससे पहले जो मीडिया में बैठ दिया था कि मैं जब नहीं खाया था, अब मैं खाया माशाल्लाह, और यहाँ पर सूप भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं चाह रहा हूँ कि जितने बेंगलुरु के लोग देख रहे हैं वो ज़रूर इंशाल्लाह ताला यहाँ पर आएँ और खाएँ। चीख मार टेस्ट है, ऐसा सूप पिया तो खाली ऐसा कल्ले खाली सा लप लप मान लिए। और ये आपकी आवाज़ यानी अपनी आवाज़, अब आपकी आवाज़ बोल तो अपनी आवाज़ बोल तो और एक चैनल आया था, इसलिए खाली आपकी आवाज़। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी आवाज़ के ज़रिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप ज़रूर यहाँ पर आएँ, और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा जायका यहाँ पर मिलेगा। मताम अल तूर, जी हाँ दोस्तों, मत घूर खाली चूर, क्या बात है, तो बहुत अच्छी है। और मैं चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह कल पूरे इंडिया की जान, इंडिया की शान, जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु की जान विजिट ज़मीर अहमद ख़ान भी कल इंशाल्लाह ताला यहाँ पर मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ज़रूर यहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह कल नमाज के बाद। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, बेंगलुरु का, और सारे जितने लोग यहाँ पर मीडिया आई, और जितने यहाँ पर ये हमारे हैदराबाद के हैं माशाल्लाह, एक छोटी सी कोशिश देखिए इनकी कोशिश के, इतनी आलीशान होटल बनाए माशाल्लाह, इतना प्यारा डेकोरेशन किए, हैदराबाद में एक लोगों ने कोशिश की थी, अल्लाह इनको वहाँ पर कामयाब किया, वही कदम उठाकर उन्होंने आपके शहर बेंगलुरु में आए हैं। तो ये बेंगलुरु वालों की अब जिम्मेदारी बनती है कि ये वहाँ यहाँ पर आएँ अपनी फैमिली के साथ, यहाँ पर बैठने की बहुत अच्छी सहूलत है, तो आप अपनी फैमिली के साथ आएँ, दोस्तों के साथ आएँ, और यहाँ का जायका लूटें इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम सुमैया परवीन है, और ये मेरे अम्मी गज़ाला परवीन। रही बात बेंगलोर और हैदराबाद के टेस्ट की, तो हम लोग बेंगलोर के टेस्ट को यूज़ टू हैं, लेकिन हैदराबाद का टेस्ट जो है कम्प्लीटली डिफरेंट है, और माशाल्लाह बहुत बेहतर है। और मतामल तूर मैंने हैदराबाद का भी, हैदराबाद का मतामल तूर का भी टेस्ट मैंने किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत बहुत लजीज है। और इंशाल्लाह आज यहाँ ये बेंगलोर के मतामल तूर का टेस्ट करेंगे, और देखती हूँ। हाँ बेशक मैं बैंगलोर से बिलोंग करती हूँ, बेंगलोर की रहने वाली हूँ, मतामल तूर का कुछ भी टेस्ट करना रहा तो हैदराबाद जाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट थोड़े किलोमीटर्स चलो और फिर रीच टू मतामल तूर कम्प्लीटली हैदराबाद। मैंने कुछ रेस्टोरेंट्स विज़िट किए हैं, तो मंदी के नाम पे दे गिव सम प्लेन राइस, खुशखा या फिर हाँ, तो मैंने मंदी, असल मंदी जो होती है वो मैंने मालूम किया हैदराबाद जाके, और वहाँ के टेस्ट से असल मंदी जो होती है वो, यहाँ पे मंदी बोले तो एक रेस्टोरेंट एक टाइप का सर्व करता, दूसरा रेस्टोरेंट और एक एक टाइप का, तो बहुत डिफरेंस रहता टेस्ट में। इंशाल्लाह यही उम्मीद है, और अगर यही रहा तो बेशक लोग बेंगलोर के लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं चीज़ को। पहली बात जो हमारे ज़ुबैर भाई को और उनके जितने पार्टनर्स हैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद के मताम अल तूर मजहूर खाली मंदी चूर। मीडिया यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको भी सलाम करना चाहूंगा, और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं अल्लाह इनके कारोबार में तरक्की दे। मैं हैदराबाद से खास तौर पे यहाँ पे आया हूँ, खास हमारे ज़ुबैर भाई की मोहब्बत और ज़ुबैर भाई की मोहब्बत में, तो आप यहाँ से खाना आप लोगों का काम है, हैदराबाद की जायका भी आपको मिलेगा, क्योंकि बेंगलोर के लोग हैदराबाद में रहते हैं, हैदराबाद के लोग बेंगलोर में आ रहे हैं, ये माशाल्लाह एक खुशी की बात है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए दो तीन डायलॉग आपको जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि वो डायलॉग तो सुनाना बहुत जरूरी है। खून खराबे के खानदान से हूँ, सर पीने वाले जमके का दामाद हूँ, सुबह नाश्ते से लेकर डिनर तक करीब को खून ही खून होगा, घर में सब खत्म करके गए तो अम्मा खाने खून देते, बाबा खाली रात तमाम तलवार को बल्कि और सुने मगर चंदन
लगता है जब बेटे न्यायवाई लिए वाले गोलकुंडे के लेकर रहने वाले उदान बली भुगत नगर दास ब्रदर गली हैरेना फजली अरदनापुरा जिम में बैन कहते के इन बंदों को बोलते रहे भद्र अंडा कहते नगर नो कंप्रोमाइज अरे ओनली फाइट इरफान साबिर साहब मुफ्ती माशाल्लाह कितने कितने प्यारे लोग हैं पूरे व्हाइट कपड़ों के अल्लाह ऐसा दिख रहा है आपको भी सलाम सबको सलाम।